दोस्तों स्वागत करते हैं डेल न्यूज अलर्ट के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, भारत माता की जय के साथ स्वागत करते हैं दोस्तों। तो भारत सरकार ने बड़ा काम किया है। तो 15 जून की रात कलवान में हुई झड़प के इतने दिनों के भीतर भारत सरकार ने तीसरी बार चीन के मोबाइल ऐप्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। केंद्र ने बुधवार को मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। अकेले भारत में पबजी को 17.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। बैन की जानकारी देते हुए केंद्र ने कहा है कि इन ऐप से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है। गलवान में भारत चीन सैनिकों की झड़प के बाद ही पहली बार सरकार ने 29 जून को एक कारण बताते हुए 59 चीनी ऐप बैन कर दिए थे। 27 जुलाई को भी 47 ऐप बैन किए गए थे। इस बार भी सरकार ने यह कदम तब उठाया जब लद्दाख में तनाव बढ़ रहा है और चीनी सैनिकों ने दो बार घुसपैठ की कोशिश की है। यह तब हुआ जब दोनों देशों के कमांडर हालात नॉर्मल करने के लिए बातचीत कर रहे थे। तो इन ऐप्स पर लगाया गया बैन, गेमिंग ऐप साइबर हंटर लाइट, कन्वास आउट, नो रूल्स जस्ट फाइट, सुपर मैच चैंपियंस, लाइफ आफ्टर डॉन ऑफ आइस लेस, लूडो वर्ल्ड, लूडो सुपरस्टार, चेस रेस, पबजी मोबाइल, नॉर्डिक मैप, लिलिक, पबजी मोबाइल लाइट, राइस ऑफ किंगडम, लॉस्ट क्रुसेड, आर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डार्क हॉरिजॉन, डार्क टैंक्स, वार पाथ, गेम ऑफ सुल्तान, कैरम फ्रेंड्स। ये इतने बहुत सारे गेम जो कि दोस्तों और सोशल मीडिया ऐप्स ये आपके सामने लाइव स्क्रीन पर देखे, ये सब भारत सरकार ने बैन कर दिए हैं। तो चाइना को बड़ा झटका दिया है भारत सरकार ने। तो बता दें आपको ये बड़ी खबर। इसी के साथ देखिए जानिए क्या है पबजी। तो पबजी भारत समेत कई देशों सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स में से एक है। भारत में पबजी 17.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। पबजी को दक्षिण कोरिया वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया। हालांकि चीनी मल्टीनेशनल कंपनी टेंसेंट की इसमें हिस्सेदारी है। पबजी इससे पहले भी निशान पर आए कई बच्चों में इसकी लत से उनके माता पिता परेशान है। कुछ राज्यों ने तो इसे अस्थायी तौर पर बैन भी किया था। पबजी ने इसके बाद आश्वस्त किया था पेरेंट्स, एजुकेट्स और सरकारी संगठनों से राय लेकर सुरक्षित इकोसिस्टम बनाएंगे। पहले बैन किए जा चुके 106 ऐप्स है। इससे पहले केंद्र ने अब तक 106 चीनी ऐप पर बैन लगा चुका है। एक महीने पहले ऐप पर बैन लगाया गया था। इससे पहले सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयर इट जैसे 59 ऐप को बैन किया था। सरकार ने कहा कि इन चाइनीज ऐप्स के सर्वर बाहर से बाहर मौजूद हैं, इनके जरिए यूजर्स का डाटा चुराया जा रहा था। इससे देश की सुरक्षा और एकता को भी खतरा था, इसी वजह से इन्हें बैन करने का फैसला लिया गया। तो हमारी जिंदगी में इन कंपनियों के जरिए भी घुसपैठ कर चुका है चीन। तो चीन में स्पष्ट नियम है कि चीन की हर निजी कंपनी को हर तरह का डाटा सरकार को देना पड़ता है। ये नहीं, अगर चीन के बाहर की किसी कंपनी में चीनी कंपनी का निवेश है तो उस कंपनी को डाटा भी चीनी कंपनी के जरिए चीनी सरकार को देना ही पड़ता है। विशेष के मानते हैं कि चीनी निवेश से चलने वाली कंपनियां भी भारत में यूजर्स की निजता व अन्य पहलुओं के लिहाज से खतरनाक हो सकती है। तो साथ ही बता दें अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर ने इसमें पीएम रिलीफ फंड में दान करने की अपील की। बताया जा रहा है कि दान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में मांगा गया था। हालांकि ट्वीट फौरन डिलीट कर दिया गया। ट्विटर ने कहा हम सक्रिय रूप से इस मामले की जांच कर रहे हैं, अभी हमें अन्य ट्विटर हैंडल्स को प्रभावित होने की जानकारी नहीं है। कनेक्ट ट्वीट में लिखा यह अकाउंट जॉन विक ने हैक किया, हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। ट्विटर ने इसकी पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अकाउंट गुरुवार तक के 3:15 बजे हैक किया गया था। तो ये मोदी जी का अकाउंट हैक कर लिया गया है दोस्तों। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और भी कोई ताज़ा अपडेट निकलेगी तो आपकी सेवा पेश कर दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बार भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।